कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बॉक्स ऑफिस स्कोर में। और गाइज आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सर्कस वर्सेस धमाका वर्सेस वेट मूवी की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट। गाइज आज सर्कस और धमाका मूवी का है बॉक्स ऑफिस पर नौवां दिन, तो वहीं आज मराठी मूवी वेट का है बॉक्स ऑफिस पर दूसरा दिन। तो गाइज अगर सबसे पहले बात कर लें सर्कस मूवी की, तो गाइज ये मूवी कॉमेडी ड्रामा मूवी है और ये मूवी बनी थी रोहित शेट्टी सर के डायरेक्शन में और इस मूवी में नजर आए थे रणवीर सिंह, पूजा हेगड़े, जेकलिन और वरुण शर्मा। गाइस इस मूवी का बजट है 85 करोड़ रुपए, तो इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट होने के लिए 95 करोड़ रुपए की कमाई करनी थी, जो कि ये मूवी 9 दिनों में भी नहीं कर पा रही है। तो गाइस अगर बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो इस मूवी ने शुरुआती 7 दिनों में इंडियन नेट कलेक्शन किया 30 करोड़ 40 लाख रुपए का, तो वही अपने 8वें दिन कमा लिए 2 करोड़ 50 लाख रुपए। और अगर आप बात करें आज यानी कि इसके 9वें दिन के कलेक्शन की, तो गाइस ये मूवी आज लगभग 3 करोड़ 10 लाख रुपए का कारोबार करते हुए नजर आ रही है। तो इस मूवी का 9 दिनों का इंडियन नेट कलेक्शन हो रहा है 36 करोड़ रुपए, इंडियन ग्रॉस कलेक्शन हो रहा है 43 करोड़ रुपए और ये मूवी वर्ल्ड वाइड कमा रही है 52 करोड़ रुपए। इसका इस 9 दिन और केवल 52 करोड़ रुपए और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हो चुकी है बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप। और वहीं अगर आप बात कर ले मराठी लैंग्वेज मूवी वेट की, तो गाइज ये मूवी बनी थी रितेश देशमुख सर के डायरेक्शन में और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है जेनिला डिसोजा ने और इस मूवी में नजर आए हैं खुद रितेश देशमुख सर, जेनिलिया डिसोजा, जिया शंकर और अशोक सराफ। गाइज ये मूवी इंस्पायर है तेलुगु मूवी मंजली से और आपको मैं बता दूं ये मूवी है रोमांटिक ड्रामा मूवी। गाइज इस मूवी का बजट है 7 करोड़ रुपए यानी कि इस मूवी को हिट होने के लिए कमाने हैं लगभग 8 करोड़ रुपए और इस मूवी को रिलीज किया गया है 450 स्क्रीन्स पर। और वहीं अगर आप बात कर लें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो गाइज मैं आपको बता दूं इस मूवी को काफी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, लोगों को ये मूवी पसंद आ रही है और अच्छे रिव्यूज होने की वजह से इस मूवी ने कलेक्शन भी काफी बढ़िया कर लिया है। तो इस मूवी ने अपने पहले दिन कमा लिए है 2 करोड़ 40 लाख रुपए। अगर आप बात करें आज यानी कि इसके दूसरे दिन के कलेक्शन की, तो गाइज आज की ऑक्यूपेंसी कल से काफी ज्यादा है और ये मूवी आज लगभग 3 करोड़ 20 लाख रुपए का कारोबार करते हुए नजर आ रही है। तो इस मूवी का टोटल कलेक्शन आ रहा है 2 दिन का 5 करोड़ 60 लाख रुपए यानी कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर 2 दिनों में हिट का टेक ले जाएगी। और वही अगर आप बात करें रवि तेजा सर की मूवी धमाका की, तो गाइज ये मूवी तेलुगु लैंग्वेज एक्शन कॉमेडी मूवी है और ये मूवी बनी थी त्रिनाधा राव के डायरेक्शन में और इस मूवी में नजर आए हैं रवि तेजा सर के साथ श्री लीला मैम। गाइज इस मूवी का बजट लगभग 20 करोड़ रुपए बताया गया था। और वहीं अगर बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो इस मूवी को काफी बढ़िया रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते इस मूवी ने अपने शुरुआती 7 दिनों में यानी कि फर्स्ट वीक में कमा लिए 62 करोड़ रुपए और 8वें दिन कलेक्शन किया है 4 करोड़ 50 लाख रुपए का। तो वहीं अगर बात करें आज यानी कि इसके 9वें दिन के कलेक्शन की, तो गाइज ये मूवी आज वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर रही है लगभग 6 करोड़ 50 लाख रुपए का। तो इस मूवी का 9 दिनों का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन आ रहा है लगभग 73 करोड़ रुपए। यस गाइज 9 दिन और 73 करोड़ रुपए और धमाका मूवी हो गई है बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर। तो गाइज ये थी सर्कस वर्सेस धमाका वर्सेस वेट मूवी की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और अगर चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।